पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री ने भोपाल मध्य विधानसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सभी वादे पूरा करने वाली पार्टी है भाजपा। भाजपा सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, तीन तलाक कानून बनाकर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया। भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करती है। राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने और मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक का कानून बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा जनता के साथ किए गए सभी वादे पूरा करती है। विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने सोमवार को भोपाल मध्य विधानसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कही, जहां गीराबाद स्थित सब्बन चौराहे के पास भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास और जनहितैषी कार्यों को जनता को बताकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रदेश संगठन महामंत्री के समक्ष निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास राव घाड़ के भाजपा में शामिल भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के समक्ष वार्ड 34 से निर्दलीय पार्षद व वरिष्ठ नेता पप्पू विलास घाड़ के पुनः भाजपा परिवार में शामिल हुए। घाटगे के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा घाटगे, जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित थे। छोटा सा बड़ा हुआ था, बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी नगर निगम चुनाव के समय कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद भी मैं कोई पार्टी से अलग नहीं हुआ। मैं हमेशा पार्टी के कार्यक्रमों में पार्टी से जुड़ा रहा। हमारे जिला अध्यक्ष जी वगैरह को सबको मालूम है, लगातार मैं संपर्क में रहा और आज मैं पूरा पार्टी ने जो मेरी आवश्यकता लगी पार्टी की तरफ से मुझे आदेश हुआ। हमारे महाराज ज्योतिदादे सिंधिया की तरफ से आदेश हुआ कि आपको पार्टी ज्वाइन करना है, पार्टी के अंदर काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उसको विजयी होने में मदद करना है। तो उनकी बात सुनकर मैंने पार्टी में जो पुनः वापसी का निश्चय किया वो पार्टी के साथ हुआ। आज फिर इस बार की निर्दलीय पार्षद के आज घर वापसी हुई है, आपके चाचा जी 40 साल पुराने कार्यकर्ता रहे, बजरंग दल जैसे अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, दो बार भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया है, किसी कारणवश नाराज हुए थे निर्दलीय, लेकिन जनता का साथ था तो फिर पार्षद बन गए थे। आज मौका ऐसा रहा है कि आज जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है तो हमारे लिए हमारी एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके देखते हुए आज विलास राव जी हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं उनका हमारे पार्टी में आना एक बड़े वोट बैंक जो है वो है, उसका एक वो है कि जो है उनके आने से लगभग 5 से 10 हजार वोट जो है हमारे पार्टी को इसका लाभ ही नहीं कहीं। इसके पहले बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता भाजपा प्रत्याशी को, पप्पू भाई क्या इसका फर्क पड़ेगा? इसके पहले बहुत बड़ी चुनौती थी पप्पू भाई के न आने के पहले, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी थे पप्पू भाई। देखिए चुनौती तो हम नहीं समझते, मोदी जी के नाम पे, शिवराज जी के काम पे हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि हमारे पुराने जो नेता रहे और 40 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी परिवार के नेता रहे उनका आना, हम जीत तो वैसे ही रहे थे लेकिन उनके आने से हम लगभग 20-25 हजार वोटों से जीतेंगे अब। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं को काम करना है, हम काम करते रहेंगे और पप्पू विलास जी के आने से पार्टी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जो लोग ये सोच रहे थे कि पप्पू विलास जी कांग्रेस में चले आएंगे, आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, वो इनका परिवार था, उनके रग रग में भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है, जिनके लिए उन्होंने सैकड़ों केस अपने ऊपर लगवाए हैं, तो उनका खुद का मन था। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से फोन पर चर्चा भी हुई जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और अब वो हमारे साथ में पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी हो आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ते नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझते हैं सभी कार्यकर्ता। पप्पू विलास जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ, वो तो वक्त और परिस्थिति और हालात ऐसे बन गए थे कि उनको ऐसा निर्णय करना पड़ा, लेकिन पार्टी भी उनको नहीं छोड़ सकती, वो भी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। हम सब पार्टी के हम लोग पूरक हैं
और मैं पप्पू भाई का स्वागत करता हूँ कि उनके आने से हमें बहुत ताकत मिलेगी और ये जो 17 तारीख को मतदान है उसमें ताकत से भारतीय पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और ये सीट हम जीतेंगे। आज लगता है क्या चुनौती मानते हैं इसमें लोग इनको मान देते हैं क्योंकि आपके ज्वाइंट होने के बाद एक बहुत बड़ी ताकत आपको मिली है, तो क्या चुनौती आपको लगता है कि है? देखिए कोई चुनौती नहीं थी, वो पप्पू भाई को अपना मानने लगे तो ये उनकी मूर्ता है, ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारी रहेंगे, ये कभी भाजपा से दूर नहीं जा सकते। तो वो बहुत सारी खामा ख्याली पाले हुए हैं, बहुत सारे अब उनके चुनाव में कोई एजेंडा तो बचा नहीं, अब उनका टोटल एजेंडा फिरका परस्ती में सिमट के रह गया है, तो वो सफल नहीं होने वाला, जनता उनको पहचानती है। सर आरिफ मसूद ने कहा है कि मेरे सामने चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लड़ना था लेकिन उन्होंने ध्रुव नारायण सिंह को मेरे सामने खड़ा कराया। देखिए क्या है कि मैं उनके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, न मैं उनको इस लायक मानता हूँ कि मुझे उनके किसी बात का जवाब देना चाहिए, उनको जो मर्जी बोल सकते हैं, भारत में बोलने की आजादी है, उस आजादी का वो प्रयोग करके चाहे कुछ भी बोले मैं जवाब नहीं दूंगा। आखिरी सवाल के जो चुनाव लड़ा जाएगा सनातनी पे लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दों पे लड़ा जाएगा? देखिए सनातन तो हर हिंदू की आत्मा है, तो सनातन को लोग गाली देंगे तो हिंदू को तो बुरा लगेगा, लेकिन चुनाव तो हम विकास पे लड़ेंगे, विकास पे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे, शिवराज जी के काम पे लड़ेंगे, और जो 20 साल में भोपाल मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, जो देश में काम हुए वो एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर सनातन को गाली दी जाएगी तो उसका विरोध हम सब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।